दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में झज्जर के रहने वाले एएसआई रमेश कुमार शहीद हुए हैं। झज्जर के खेड़ी जट गांव के रहने वाले हैं रमेश कुमार। सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन की ब्रावो कंपनी में तैनात थे रमेश कुमार। आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक दल पर पहले अंधाधुंध फायरिंग की और बाद में ग्रेनेड से हमला किया। अनंतनाग बस स्टैंड के पास स्थित महिला कॉलेज के पास इस आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए। आतंकी हमले में झज्जर के लाल रमेश कुमार ने भी शहादत पाई। खेड़ी जट गांव के रहने वाले थे एएसआई रमेश कुमार। सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन में तैनात थे। अनंतनाग में आतंकी हमले में शहीद हुए। मैं सहयोगी योगेंद्र सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेंद्र, किस तरह का माहौल फिलहाल झज्जर में, क्या कुछ जानकारी? ये जो एसआई रमेश हैं वो शहीद हुए हैं। उसके बाद जो बहादुरगढ़ गांव पीड़ित में काफी गमगीन माहौल है। हालांकि लोगों में एक तरह का जोश भी है कि देश के लिए उनके गांव के जो सपूत हैं वो शहीद हुए हैं और कहीं ना कहीं देश के काम उनकी जीवन आया है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो माहौल है वो गमगीन भी है और कहें तो काफी जोशीला भी है और भारत माता की जय के जो नारे हैं वो यहाँ पर गूंज रहे हैं। काफी संख्या में लोग जो अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुंचे हैं खेड़ीजट गांव में और जो स्थानीय नेता हैं बीजेपी के या विपक्षी दलों के वो सभी जो है शहीद रमेश के घर पे जो है वो पहुंच रहे हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो कुल मिलाकर जो शहीद रमेश है उनका पार्थिव शरीर कुछ समय बाद यहाँ पर पहुंचेगा और बस जो है वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी और उनका अंतिम संस्कार जो है उनका ये पार्थिव शरीर का किया जाएगा। कब ये जानकारी पहुंची परिवार वालों को, कब जानकारी मिली इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये घटनाक्रम निकलता है तो उसमें उनको सूचना मिली प्रशासन की तरफ से और जिसके बाद पूरे ही जो गांव है उसमें माहौल गमगीन हो गया। तो उनके सुनते ही जो की शहीद उनकी शहादत की बात सुनते ही पूरा माहौल जो है वो काफी जो हालांकि शहीद का परिवार जो है वो काफी गर्व भी महसूस यहाँ पर कर रहा है और जो है रोते रोते ये भी कह रहा है कि ये उनके जो जो पिता हैं उनके जो पति हैं जिनकी वीरांगना है कह रही है कि उन्हें शहादत दी है। तो ये अपने आप में बहुत ही उनके लिए गर्व की बात है। जानकारी क्या कुछ मिल पा रही है, कब तक पार्थिव शरीर के पहुंचने की जानकारी परिवार वालों को दी गई है? प्रशासन की ओर से जो हमें मिल रहा है वो कुछ समय बाद उनका कहना है कि वो शहीद रमेश का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा और पूरे राष्ट्र सम्मान के साथ में उनका जो है अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। तो सब कुछ ही क्षणों में यहाँ पर जो है वो शहीद का पार्थिव शरीर यहाँ पर जो है वो पहुंचेगा। परिवार में कौन कौन है रमेश कुमार के और किस तरह से इस परिवार में और किस तरह का मतलब किस तरह से अपना जो जीवन है उसको चलाते हैं, परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से इनके इनके बेटा है बेटी है और बूढ़े माँ बाप हैं और जो इनका जीवन यापन है जो है इनका बेसिक तौर पे जो खेती बाड़ी से जुड़ा काम है किसान परिवार से ये संबंध रखते हैं। और जिस तरह से मामा को यह बताएं कि जो झज्जर जिला है वो पूरा यहाँ पर जम के हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर शहीद हैं और शहीद जो है और उसके बाद में फौजी यहाँ पर काफी हैं। तो काफी एक माहौल यहाँ पर काफी गौरवपूर्ण माहौल यहाँ पर बना हुआ है। बिल्कुल, और जो अब से कुछ देर में जिस तरह से आपने कहा कि परिवार वालों में एक तरह से गम भी है लेकिन गर्व भी है रमेश कुमार की शहादत पर, जिस गांव से रमेश कुमार आते हैं वहां पर क्या किस तरह का माहौल है, लोग क्या सोचते हैं और जिस तरह से शहादत हुई है रमेश कुमार की, क्या जो युवा हैं उस गांव के उनके भीतर भी अब सेना में सीआरपीएफ में जाने के लिए एक तरह से मनोबल बढ़ा है या किस तरह की सोच है? मैं आपको बताऊं कि पूरे हरियाणा में झज्जर जिला है एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा जो युवा हैं और मतलब फौज से संबंध रखने वाले परिवार यहाँ पर सबसे ज्यादा है और यहीं पे जो शहीद हैं वो भी उनकी संख्या भी काफी ज्यादा है। तो यही कहें कि झज्जर जिला जो है वो काफी शहीदों से भरा हुआ है और काफी लोगों ने यहाँ पर शहादत दी है देश की रक्षा करते हुए। तो
तो युवाओं में काफी जोश है और बेशक यहाँ पर जो हमारे युवाओं से बात हुई है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो भी अपनी जो है वो देश की रक्षा के लिए वो भी फौज में भर्ती होंगे और ये शायद रमेश की तरह जो है वो देश की रक्षा यहाँ पर वो करेंगे और चाहे उनके इसके लिए उनको अपने प्राणों की आहुति चीज़ देनी पड़ेगी। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।